Hello guys, this is Tarun sir and welcome back to my YouTube channel Arindam English Speaking Classes, which is one of the largest growing YouTube channel based on English speaking and grammar. So guys, I hope you all are fine, and in this video lecture we are going to discuss a very important topic that will be very beneficial for you for your upcoming academic and competitive examinations. So guys, our today's topic is subject verb agreement or subject verb concord or sentence formation, or you can say syntax. Means in this video lecture we will discuss how you have to make sentence, means with which subject you have to use which verb. यानी कि इस video lecture में हम ये discuss करेंगे कि हम किस subject के साथ कौन सी verb use करते हैं. मान लो हमारे पास अगर singular subject है तो हम कौन सी verb use करेंगे, अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे. चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हमें किस वर्ब सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर के बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ सके. So guys, let's start the topic. Today's topic is syntax, subject verb agreement or subject verb concord, or you can say sentence formation. Definition se start karte hain isko. Use of verb in any sentence according to number and person of the subject is called syntax or subject verb agreement. Yani ki किसी किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, वो सब्जेक्ट किसी भी नंबर को डिनोट कर सकता है, किसी भी पर्सन को डिनोट कर सकता है. वो सब्जेक्ट चाहे तो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है. वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. अब हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन के तहत इस बात को क्या करना है, फॉलो करना है कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हमें यूज करनी है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. इस पूरी स्टडी को हम सब्जेक्ट और वर्ब की पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी ऑब्वियसली प्लूरल. यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. इस सारी चीज को हम एक टेबल के माध्यम से समझने वाले हैं. ठीक है, मैं आपके सामने एक टेबल बनाने वाला हूं, उस टेबल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फिर वो सेंटेंस फ्यूचर का हो. ठीक है गाइस, सो गाइस यू हैव सम टेबल, यहाँ पे मैंने तीन कॉलम बनाए आपके लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इस कॉलम मैंने आपके सामने बताया आपको पर्सन के बारे में, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी पर्सन तीन टाइप के होते हैं. सिंगुलर कॉलम में इसमें आपको ये बताया मैंने कि सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे, जितने सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर है. ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, चाहे वो कोई चीज हो, वो क्या होगी, सिंगुलर होगी. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम है गाइस प्लूरल का. इसमें मैंने आपको प्लूरल किस सेंस में यूज किया है, सब्जेक्ट्स के सेंस में. यानी कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यूज किए हैं, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, वो सारे सारे सब्जेक्ट्स क्या है गाइस, प्लूरल हैं वो. ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्लूरल. तो गाइस क्लियर हो गया आपको, तीन कॉलम. ठीक है, आप हम इसको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, यानी कि हम लेके चलेंगे रो वाइज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होगा गाइस, जो हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है आई, आई के साथ, यानी आई का मतलब होता है मैं, यानी कि एक इंसान, यानी कि मैं. जैसे रोमन में नंबर होता है वन, वैसे आई का मतलब होता है वन, यानी कि मैं. तो आई सब्जेक्ट के साथ गाइस जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने वाले हैं, जिसको आप बोलते हैं सहायक क्रिया, हिंदी में आप बोलते हैं उसको सहायक क्रिया. ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है गाइस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं जनरली, तो जो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है
ठीक है, वो मेन वर्ब से पहले यूज होती है, वो आपको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट टेंस में जो हम करेंगे यूज, वो है आई साथ एम, आई के साथ हैव, आई के साथ हैव बीन, ये होगा प्रेजेंट टेंस में इसका यूज। और पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है आई सब्जेक्ट के साथ वो होगा गाइस वाज, हैड और हैड बीन। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करने वाले हैं आई के साथ गाइस, वो ये होगा विल, या शैल, या विल और शैल हैव, या फिर विल और शैल हैव बीन। ठीक है गाइस, या तो हम आई के साथ विल का ही यूज करेंगे फ्यूचर में, या फिर हम शैल का ही यूज करेंगे, यानी दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का ही हम यूज करेंगे। विल और शैल को हम मॉडल्स में भी ले सकते हैं, मॉडल्स वर्ब भी आता है, एक एक प्रकार के मॉडल वर्ब्स, आपको जो वर्ब्स होते हैं वो पता ही होगा मॉडल वर्ब्स के बारे में, इनको हम उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अब हम फिलहाल हम मॉडल वर्ब्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो विल और शैल को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेके ही चलेंगे यहाँ पे, मॉडल वर्ब लेकर नहीं चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे आई के साथ या तो यूज करेंगे विल का, या फिर यूज करेंगे शैल का। दूसरा ये है ये वाला, इसमें क्या हुआ, आई के साथ या तो आप विल हैव यूज कर सकते हो, या फिर आई के साथ आप शैल हैव यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। उसी तरह इस वाले में आई के साथ आप या तो विल हैव बीन का यूज करोगे, या फिर आई के साथ आप शैल हैव बीन का यूज करोगे फ्यूचर टेंस के लिए। सो गाइस क्लियर हो गया आपको, एम हैव और हैव बीन ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस में आई के साथ, वाज हैड और हैड बीन ये यूज होता है पास्ट टेंस में आई सब्जेक्ट के साथ, और विल और शैल हैव, विल और शैल हैव बीन ये गाइस यूज होता है फ्यूचर टेंस में आई सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इस कॉलम में लास्ट कॉलम है प्लूरल वाले कॉलम में, यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है वी, वी का मतलब होता है गाइस हम, यानी कि एक कहीं एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए एक जगह पर, तो हम उसको बोलेंगे हम, यानी कि मान लो मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे आसपास इकट्ठा हैं, 9-10 लोग हैं, तो हम सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, वी, यानी कि हम। ठीक है, एक ग्रुप के रूप में हम उसको ले सकते हैं, उसको हम बोलेंगे हम, तो वो हो जाएगा वी। इस सब्जेक्ट वी सब्जेक्ट के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं वो होंगे गाइस प्रेजेंट टेंस में वी आर, वी हैव बीन, ये होगा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे वी वर, वी हैड बीन। उसी तरीके से गाइस हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे वी विल, वी शैल, दोनों में से कोई एक, या फिर वी विल और शैल हैव, ये तो विल हैव यूज होगा, तो शैल हैव यूज होगा। लास्ट में वी के साथ विल हैव बीन, या फिर शैल हैव बीन। ठीक है गाइस, ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में वी के साथ। ठीक है, ये सारे सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। ठीक है, अब आते हैं गाइस सेकंड पर्सन पे, सेकंड पर्सन मीन्स दूसरा आदमी। सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे सामने कोई दूसरा आदमी आ जाता है, तो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन, सिंपल एकदम, कुछ ज्यादा टफ नहीं है ये। कहीं कहीं आपको इस बात का हवा बना दिया जाता है कि हम ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन गाइस ये टॉपिक इतना टफ नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हो, मैं इजिली आपको समझा रहा हूँ तो आप इसको इजिली समझ सकते हो। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि नहीं, फर्स्ट पर्सन में पहला आदमी, सेकंड पर्सन का मतलब होगा यानी दूसरा आदमी, यानी जो आदमी दूसरा आपके सामने आ गया वो हो जाएगा सेकंड पर्सन, और नीचे आपका थर्ड पर्सन, यानी कि अगर वो तीसरा आदमी कोई आ गया तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरा आदमी। तो क्या होगा इसमें, सेकंड पर्सन में क्या हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, जब एक सामने वाला अगर एक आदमी है तो हो जाएगा सिंगुलर, सामने वाला अगर ग्रुप में आ गए एक साथ सेकंड पर्सन में तो हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो गाइस सेकंड वन देखते हैं, यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर में हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड रो में सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा आपका वो होगा यू, यानी कि तुम, मैं एक आदमी, यू यानी कि तुम, जो सामने वाला आप जिससे बात कर रहे हो वो हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक आदमी है जिससे आप बात कर रहे हो, उसको आप बोलोगे यू यानी कि तुम। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं गाइस वो होगा ये, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी प्रेजेंट टेंस में वो होगा ये यू आर, यू हैव बीन। ठीक है गाइस, पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी यू के साथ वो होगा गाइस यू वर, यू हैड बीन, और जो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली यू के साथ
वो होगा गाइस यू विल, यू शैल, यू विल हैव, यू शैल हैव, यू विल हैव बीन, या फिर यू शैल हैव बीन। ठीक है गाइस, ये था सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी यू। अब सेम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही आपको यूज करनी पड़ेगी इस यहाँ पे प्लूरल वाले केस में, सेकंड पर्सन प्लूरल वाले केस में। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है यू के साथ, सेम एज इट इज वही यूज होंगी वहां पे सेकंड पर्सन प्लूरल में, क्योंकि यहाँ पे हम यू में हम एक आदमी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यू में हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, यानी कि यू का मतलब होता है तुम, और इस यू का मतलब हो जाएगा गाइस तुम लोग, यानी कि बहुत सारे लोग जिससे हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। तो इसके साथ सेम वही हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है यू के साथ आर, यू के साथ हैव, यू के साथ हैव बीन प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में यूज होगा यू के साथ वर, यू के साथ हैड, या फिर यू के साथ हैड बीन, और फ्यूचर टेंस में यूज होगा यू के साथ विल, यू के साथ शैल, यू के साथ विल हैव या शैल हैव, और यू के साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, ये पूरा एक ही हेल्पिंग वर्ब है गाइस, ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन हम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वहां पे विल हैव या फिर शैल हैव का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन के लिए देखते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए देखते हैं यहाँ पे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स कोई तीसरा आदमी हमारे सामने आता है, मान लो दो लोग बात करें आपस में, मैं और तुम, मैं और आप बात कर रहे हैं, और कोई तीसरा आदमी हमारे सामने आ जाता है तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, नहीं तीसरा आदमी हो गया वो थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई एक आदमी भी हो सकता है या वो बहुत सारे आदमी भी हो सकते हैं। अगर वो कोई एक आदमी है, सिंगल आदमी है कोई थर्ड पर्सन में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही, शी और इट का। और अगर सामने आने वाला जो थर्ड पर्सन है वो प्लूरल है, यानी बहुत सारे लोग हैं वो, ठीक है, आप और मैं सपोज बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन में कोई आदमी बहुत सारे सिंगल आदमी आता है तो वो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और बहुत सारे लोग हमारे सामने आ जाते हैं हमसे बात करने के लिए तो वो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि वे लोग। ठीक है, तो गाइस थर्ड पर्सन पहले सिंगुलर देखते हैं यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो ये है ही, शी और इट। ही यूज होता है गाइस मैन और बॉयज के लिए, शी यूज होता है गाइस वुमन और गर्ल्स के लिए, और जो इट होता है यूज, उसका यूज ये है, या तो ये यूज होता है एनिमल बींग्स के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी ये तो इट का यूज होता है जानवरों के लिए या फिर जो चीजें बेजान होती है जैसे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो कोई भी वस्तु है उसके लिए भी हम यूज करते हैं इट का। सो गाइस यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि ही, शी और इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ही के साथ जो यूज होने वाला है वो होगा प्रेजेंट टेंस में इज, हैज और हैज बीन। शी के साथ भी सेम ऐसी होगा शी इज, शी हैज और शी हैज बीन। सेम इट के लिए भी वही यूज होगा इट इज, इट हैज और इट हैज बीन। उसी तरीके से यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे, ही वाज, ही हैड बीन, शी वाज, शी हैड एंड शी हैड बीन, इट वाज, इट हैड एंड इट हैज बीन, इट हैड बीन। इसी तरीके से हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे गाइस, ही विल या शैल, ही विल और शैल हैव, ही विल और शैल हैव बीन। शी के लिए सेम वैसे यूज करेंगे हम, शी विल या शी शैल, she will have या she shall have, if she will have been, if she shall have been। ठीक है, it के लिए भी हम use करेंगे as it is, जैसे हम use करते हैं it is, it has been present tense के लिए, it was, it had been past tense के लिए, it will or shall, it will or shall have, or it will or shall have been use करेंगे हम future tense के लिए। ठीक है गाइस, यानी इज, हैज और हैड बीन हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज, हैड और हैड बीन हो जाएगा पास्ट टेंस के लिए, विल और शैल हैव और विल और शैल हैव बीन यूज होगा फ्यूचर टेंस के लिए। सेम एज इट इज गाइस यूज होगा थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, जो हम यूज करेंगे यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल में हो जाएगा आपका
जो सब्जेक्ट होगा वो होगा दे, यानी कि वे, यानी कि वे लोग। ठीक है, जब हम कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन में अगर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, जब उनके इशारे करके हम बात करते हैं कि वे लोग, यानी कि वो लोग। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दे, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा दे, यानी कि वे या वे लोग। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में, हमें ये तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा यूज होगा दे, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, उसको भी एक बार देख लेते हैं गाइस। थर्ड पर्सन प्लूरल में जो यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब दे के साथ, वो होगा गाइस दे के साथ प्रेजेंट टेंस में यूज होगा आर, हैव और हैव बीन, और पास्ट टेंस में दे के साथ यूज होगा वर, हैड और हैड बीन, और फ्यूचर टेंस में दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है गाइस वो होगा दे के साथ विल या शैल, या फिर विल और शैल हैव, दोनों में से कोई एक, या फिर लास्ट में दे के साथ विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, दोनों में से कोई एक। ठीक है गाइस, तो ये था टॉपिक जो आपको, ये जो टेबल आप इजिली क्लियर आपको हो गई होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यूज करने हैं और उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, उस एग्जांपल्स के थ्रू आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये आई यू वी यू दे ही शी इट ये हम कैसे यूज करते हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं ये क्लियर अब करने वाला हूँ। आई एम मेकिंग माई हेयर, मैं अपने बाल बना रहा हूं। गाइज इन दिस सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट, एम इज द हेल्पिंग वर्ब विच इज ऑलवेज यूज विद सब्जेक्ट आई and not used with other subjects other than I. Making is the main verb and at last my hair is the object in this sentence. So guys, इस sentence में, इस वाक्य में I क्या है? Subject है, यानी कि करता है, जो काम कर रहा है। Am क्या है? Helping verb है, जो help कर रही है main verb की। जो एम जो हेल्पिंग वर्ब है गाइस, वो हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और इसके अलावा वो किसी भी अदर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता, यह बात आपको पता होनी चाहिए। मेकिंग है मेन वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में है, मेक से बन जाएगा मेकिंग क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो इसमें मेक का हो जाएगा मेकिंग, यानी कि ये काम यहाँ पर अभी करंट में चल रहा है। ठीक है गाइस, इसलिए मेक का हो जाएगा मेकिंग, यह है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। एंड एट लास्ट माई हेयर, यह है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म, यानी कि कर्ता ने किस चीज के ऊपर काम किया, यानी किस चीज के ऊपर काम हुआ, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सो माई हेयर जो वर्ड होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, सो गाइस इस सेंटेंस को हम समझते हैं एक रियल लाइफ वीडियो के माध्यम से। आई एम मेकिंग माई हेयर, सो गाइस आई हैव वन मोर एग्जांपल फॉर यू दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर दैट यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हो? आंसर, वी आर टेकिंग सनबाथ, हम लोग धूप सेक रहे हैं। सो गाइस फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा व्हाट आर यू डूइंग, इसमें जो व्हाट है वो एक एडवर्ब है जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, यू इसमें सब्जेक्ट है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, इसमें यू सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया था, डूइंग इसमें मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया जो बना है बेसिक वर्ड डू से, क्योंकि करंट में यहाँ पे उस काम के बारे में पूछा जा रहा है जो काम करंट में अभी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे डू का हो जाएगा डूइंग। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस में, इसमें वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है,
आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया। टेकिंग इसमें मेन वर्ब है जो बना है बेसिक वर्ड टेक से, क्योंकि यहाँ पे करंट में काम चल रहा है तो यहाँ पे टेक हो जाएगा टेकिंग। संबात इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ओके गाइस, इसमें मैंने दो सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, यू एंड वी। यू जो है इसमें सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और वी इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। सो गाइस, आई होप ये दोनों सेंटेंसेस आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इन दोनों सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड एक वीडियो एग्जांपल देने वाला हूँ, रियल लाइफ वीडियो एग्जांपल यू कैन से। उसको आप देखिए, जिसको देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये दोनों सेंटेंसेस किस चीज के ऊपर बेस्ड हैं। हे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? वी आर टेकिंग सन बाथ, हम धूप सेक रहे हैं। ओके, गाइज, आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। इन दिस एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट यू, विच इज सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, बट इन अर्लियर एग्जाम्पल आई हैव डिस्कस्ड द सेम सब्जेक्ट यू, विच वॉज सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। गाइज, जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल आपको डिस्कस किया था उसमें भी मैंने आपको यू के बारे में बताया था, यानी यू सब्जेक्ट जो था उसमें जो यू था गाइज वो था सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि उसमें मैंने एक से ज्यादा लोगों की उसमें बात की थी। लेकिन जो गाइस इस एग्जांपल में जो मैं आपको यू के बारे में बताने वाला हूँ वो है सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन, हे व्हाट आर यू डूइंग, हे तुम क्या कर रहे हो? आंसर, आई एम प्लेइंग विद माय बेबी, मैं अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो वर्ड है हे, उसके आगे एक आपको डंडा दिख रहा होगा, उसके नीचे एक पॉइंट दिख रहा होगा, दैट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको हम, इस वर्ड को और इस साइन को हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई सडन फीलिंग्स या इमोशंस या आइडियाज को मेंशन करना हो। ठीक है, यहाँ पे अचानक से आई हुई फीलिंग है हे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो गाइस में जो व्हाट है वो है एडवर्ब और जो उसमें आर है वो है हेल्पिंग वर्ब, जो उसमें यू है वो है सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि वहां पे हम सिर्फ यहाँ पे एक आदमी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डूइंग है मेन वर्ब जो बना है डू से। ठीक है गाइस, आंसर में देखते हैं आई, इट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। एम जो कि हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो प्लेइंग वर्ड है वो है मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया जो बना है बेसिक वर्ड प्ले से। ठीक है गाइस, उसके बाद विद माय बेबी जो है वो है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। सो गाइस, आई होप आपको ये दोनों सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे और जो सब्जेक्ट यू था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि प्लूरल वाला यू क्या होता है और ये सिंगुलर वाला यू क्या होता है, दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको एक मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो से आपको इस सब्जेक्ट यू के बारे में टोटली आपको क्लियर हो जाएगा। हे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आई एम प्लेइंग विद माय बेबी, मैं अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। गाइस, आई हैव वन मोर एग्जांपल फॉर यू, दैट इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ही, व्हिच इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हिच इज यूज्ड फॉर मैन और बॉय। गाइज, यहाँ पे हम सब्जेक्ट ही के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। जो सब्जेक्ट ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और जो किसी आदमी के लिए या लड़के के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। ही इज वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रहा है। गाइज, इसमें जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग इसमें मेन वर्ब है जो बेस वर्ड वॉच से बना है, टेलीविजन इसमें ऑब्जेक्ट है।
आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस सेंटेंस को समझते हैं एक रियल लाइफ वीडियो के माध्यम से जो अभी आपके सामने आने वाला है। He is watching television. वो टीवी देख रहा है। हेलो गाइस, देयर इज वन मोर सेंटेंस फॉर यू। इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट शी विच वी यूज फॉर गर्ल और वुमन। इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे हम सब्जेक्ट शी की बात करने वाले हैं जो कि आपको ब्लैकबोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट शी है उसको हम किसी लड़की या किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइस। शी इज वॉचिंग टेलीविजन। वो टीवी देख रही है। सब्जेक्ट शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब है। वॉचिंग इसमें मेन वर्ब है जो बना है बेस वर्ड वॉच से। टेलीविजन इसमें ऑब्जेक्ट है। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इस सेंटेंस को समझते हैं एक रियल लाइफ वीडियो एग्जाम्पल के माध्यम से। शी इज वॉचिंग टेलीविजन। वो टीवी देख रही है। हेलो गाइस, आई हैव ब्रॉट यू वन मोर एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट इट। गाइस मैं आपके सामने एक नया एग्जाम्पल लेकर आया हूं जो बेस्ड है सब्जेक्ट इट के ऊपर। यानी कि जो इट सब्जेक्ट होता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जानवरों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए और बच्चों के लिए। ठीक है गाइस, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ है। द बेबी इज लाफिंग, यानी छोटा बच्चा हंस रहा है। गाइस जब हमें बेबी का सेक्स पता ना हो, यानी कि जब हमें ये पता ना हो कि बच्चा मेल है या फीमेल, उस केस में हम यूज करते हैं इट का। और जब हमें बेबी का सेक्स पता हो तो हम यूज करते हैं ही और शी का। बेबी बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही, बेबी गर्ल के लिए हम यूज करते हैं शी। ओके गाइस, तो सेंटेंस हो जाएगा द बेबी इज लाफिंग, यानी कि बच्चा हंस रहा है। उसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं इट इज लाफिंग। ठीक है गाइस, आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इस सेंटेंस के साथ एक वीडियो अब आगे अटैच होगी जिसमें आपको ये सेंटेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। द बेबी इज लाफिंग। हेलो गाइस, आई हैव वन मोर एग्जांपल फॉर यू दैट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट दे। द सब्जेक्ट दे इज यूज्ड इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन हु आर स्टैंडिंग एट डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम अस। यानी जब हम कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो हमसे कुछ दूरी पर खड़े हैं और हम इशारा करके बात करते हैं कि वे लोग, उस केस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट दे का। ओके गाइस, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दैट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। दे आर वर्किंग इन द किचन। वे लोग किचन में काम कर रहे हैं। ठीक गाइस, यहां पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक से ज्यादा हैं और वो किचन में काम कर रहे हैं। इसमें जो वर्ड है दे वो है थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। आर है इसमें हेल्पिंग वर्ब। वर्किंग है इसमें मेन वर्ब जो बना है बेस वर्ड वर्क से। इन द किचन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एक वीडियो अटैच होगी जिसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा इस सेंटेंस के बारे में। दे आर वर्किंग इन द किचन। वो लोग किचन में काम कर रहे हैं। सो गाइस, ये था हमारा टॉपिक सिंटैक्स और सेंटेंस फॉर्मेशन का पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ गाइस उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसके बगल में एक ऑल होगा उस पर टच कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको आपके फ़ोन पर टाइम पर मिल जाए, और मेरे इस वीडियोस को और चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव में शेयर जरूर जरूर कीजिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।